बच्चों नमस्कार, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ बेटा, कर रहे हो ना? चले तो हमारा पहला लेक्चर पूरा हो चुका था। अपना चैप्टर था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और हम ये बात कर चुके थे कि जल में घुलनशील हार्मोन कैसे काम करते हैं तथा वसा में घुलनशील हार्मोन कैसे काम करते हैं। ये बात हम पिछले लेक्चर में पूरी कर चुके थे। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हम बात कर रहे हैं आपसे, वो बात कर रहे हैं मानव अंतः स्रावी तंत्र के बारे में। और मानव अंतः स्रावी तंत्र में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। बच्चे आपको पता है कि हाइपोथैलेमस हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, और उसमें भी किसका? अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट थे? दो पार्ट। पहला पार्ट जिसको हमने बोला था प्रेमस्तिष्क या सेरिब्रम, दूसरा पार्ट जिसको हमने बोला था डाइएन्सीफेलोन। उस डाइएन्सीफेलोन का भाग है हाइपोथैलेमस, जो हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है तथा एक अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है। चलें, तो सबसे पहले बात यही है, बिल्कुल बात यही है कि यह हाइपोथैलेमस किसका भाग है? डाइएन्सीफेलोन का। और डाइएन्सीफेलोन का आधार भाग है, कौन सा भाग है उसका? आधारीय भाग है। डाइएन्सीफेलोन का कौन सा भाग है? आधारीय भाग। मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसीलिए हमने कहा कि ये इसका कार्य जो है वो कार्य नैरो स्पेक्ट्रम हुआ कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वो अपने पास हुआ ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंक्शन, कि इसका जो काम है वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, मतलब शरीर में बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कार्य करता है, इसीलिए हमने इसको बोला ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंक्शंस, मतलब बॉडी के बहुत सारे कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। अब सवाल था, सर हाइपोथैलेमस है, आपने कहा कि हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है। बिल्कुल सही बात है, हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है, इसीलिए बात थी कि हाइपोथैलेमस से भी किसका स्रावण हो रहा है? हार्मोन का। किसका स्रावण हो रहा है? हार्मोन का। लेकिन बात थी सर, हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है, निकलेंगे। लेकिन हाइपोथैलेमस जो है वो आपने ये बताया कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण हो रहा है तंत्रिकाओं से। किससे हो रहा है? तंत्रिकाओं से। तो ये बताइए कि हाइपोथैलेमस में कौन सी कोशिकाएं रहेगी जो हार्मोन का संश्लेषण करेगी? बेटा हाइपोथैलेमस में हार्मोन का संश्लेषण जो करेगी वो तंत्रिकाएं ही करेगी। कौन करेगी? तंत्रिकाएं ही करेगी। हाइपोथैलेमस में तंत्रिकाएं जो थी, उन तंत्रिकाओं के कोशिका काय वाला भाग जो होता है वो कई सारी कोशिकाओं के कोशिका काय एक जगह इकट्ठा होके एक समूह, एक झुंड बना लेते हैं, और उस झुंड को बोलते हैं अपन न्यूक्लियाई या न्यूक्ली। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई या न्यूक्ली। वो जो अपने पास तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिका काय का झुंड है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई, तो उस कोशिका काय में ही हार्मोन का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? हार्मोन का। तो कहने का मतलब हाइपोथैलेमस में जो भी हार्मोन बने वो किसने बनाए? तंत्रिका ने बनाए। तंत्रिका के कौन से भाग ने? कोशिका काय वाले भाग ने। और कोशिका काय के समूह को क्या बोला? न्यूक्ली। हाँ कि ना? अब जो भी हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनेगा वो सब प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होगा, मतलब जल में घुलनशील हार्मोन होगा। अगर वो जल में घुलनशील हार्मोन है तो उस हार्मोन के रिसेप्टर कहां होंगे? कोशिका की कोशिका झिल्ली पे, तथा जब वो हार्मोन काम करेगा तो सेकेंडरी मैसेंजर का निर्माण भी होगा, उसका निर्माण भी होगा। इसीलिए एनसीईआरटी लिखा है कि इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। ध्यान रखना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में
तंत्रिकाओं के कोशिका काय का समूह होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्ली या न्यूक्लियाई। चले अब सवाल था सर, इस हाइपोथैलेमस जो था, इस हाइपोथैलेमस क्या ये सीधा का सीधा जाके शरीर के अंगों के पास हार्मोन भेज देता अपना? इसके हार्मोन जाके क्या शरीर के अंगों पे काम करते हैं? नहीं, इसके हार्मोन जो है वो कभी भी सीधे जाके अंगों पे काम नहीं करते। तो इसके जो भी हार्मोन है वो जाके काम करेंगे पीयूष ग्रंथि पे, पिट्यूटरी ग्रंथि पे। किस पे जाके काम करेंगे? पिट्यूटरी ग्रंथि पे। तो मैं ये कह दूं कि ये हाइपोथैलेमस जाके सीधे के सीधे अंगों के पास काम करने के लिए हार्मोन को नहीं भेजता, ये किसके पास भेजता है? ये पीयूष ग्रंथि के पास भेजता है, और पीयूष ग्रंथि के पास जाके इसके हार्मोन उससे दूसरे हार्मोन का संश्लेषण तथा श्रावण करवाता है, या किसी हार्मोन के श्रावण को बंद करवाने का काम करता है। तो कहने का मतलब हाइपोथैलेमस जो होता है वो हाइपोथैलेमस कहां से हार्मोन श्रावण को नियंत्रित करता है? वो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के श्रावण का नियंत्रण करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा कि इसके हार्मोन किसके? हाइपोथैलेमस के हार्मोन पीयूष ग्रंथि में हार्मोन के संश्लेषण तथा श्रावण को नियंत्रण करते हैं। किसके अंदर करते हैं? पीयूष ग्रंथि में। तो जब भी कहे कि बताओ कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के क्रियाओं का नियंत्रण करती है, तो वो कौन सी ग्रंथि हुई? हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि हुई? हाइपोथैलेमस। और ये जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि को ही अपन बोलते हैं बेटा मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि जैसे हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि की क्रिया को नियंत्रित करता है, इसी तरह इस पीयूष ग्रंथि के हार्मोन जो थे वो दूसरी ग्रंथियों की क्रिया का नियंत्रण कर रहे थे, और जो नियंत्रण करता है वो क्या हो गया? मास्टर। क्या हो गया? मास्टर। तो शरीर की दूसरी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। तो उनके लिए पीयूष ग्रंथि क्या हो गई? उनकी मास्टर ग्लैंड। लेकिन पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हमने क्या कि हाइपोथैलेमस इस मास्टर का भी क्या है? मास्टर। इसीलिए इस हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं अपन? इसको अपन बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको बोल दिया मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, कि ऐसी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड का भी नियंत्रण करे। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि ये बाकी दूसरी ग्रंथियों की क्रिया का क्या करती है? नियंत्रण। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चले अब सवाल था सर, आपने हमें ये बताया कि ये हाइपोथैलेमस है, ये पीयूष ग्रंथि की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब हमें बताइए कि ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि की क्रियाओं का नियंत्रण कैसे करता है? क्या इसका तरीका है इनकी क्रियाओं को नियंत्रित करने का? देखिए क्या तरीका है हाइपोथैलेमस का इनकी क्रियाओं को नियंत्रित करने का। देखिए भैया अपन बात करते हैं तरीका कौन सा है। तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो है वो कौन कौन से हार्मोन है, और वो हार्मोन कैसे पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं, चलो देखते हैं। बेटा हाइपोथैलेमस से मुख्यतः दो प्रकार के हार्मोन निकले। सबसे पहला हार्मोन है वो है मोचक हार्मोन। सबसे पहला जो हार्मोन निकला उस हार्मोन को अपन ने कहा बेटा मोचक हार्मोन, या इंग्लिश में मैं बोलूं रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन वो थे जो हाइपोथैलेमस से निकल के किसके पास आएंगे? पीयूष ग्रंथि के पास आएंगे, और इस पीयूष ग्रंथि से हार्मोन श्रावण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन श्रावण। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है, क्या लिखा है, कि रिलीजिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के श्रावण को क्या करे? प्रेरित करे। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के श्रावण को क्या करे? प्रेरित करे। उनको क्या बोला जाता है? उन्हें रिलीजिंग या मोचक हार्मोन बोला जाता है। हाँ कि ना? किससे रिलीज हुआ?
हाइपोथैलेमस से कहां आया, पीयूष ग्रंथि के पास, और पीयूष ग्रंथि से आके कहा कि तू ये वाला हार्मोन स्रावित कर। तो ऐसे हार्मोन को क्या बोल दिया, मोचक हार्मोन। जैसे एनसीईआरटी ने उदाहरण दे रखा है जीएनआरएच, ये जीएनआरएच हार्मोन जो था, ये जीएनआरएच हार्मोन स्रावित किया बेटा, वो स्रावित किया हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस से ये जीएनआरएच हार्मोन आया, ये अपने पास आया पीयूष ग्रंथि के पास, किसके पास आया, पीयूष ग्रंथि के पास, और पीयूष ग्रंथि के पास आके इसने यहां पे स्रावित करवा दिया कौन सा हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावण। कौन से हार्मोन का स्रावण करवाया बेटा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण करवाया। आपको बता दूं कि ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का निर्माण दो प्रकार के हार्मोन से होता है। एक हार्मोन होता है LH जिसको अपन बोलते हैं ल्यूसिनाइजिंग हार्मोन, एंड दूसरा हार्मोन होता है वो होता है FSH जिसको अपन बोलते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चले तो हाइपोथैलेमस से क्या निकला, GnRH, और ये कहां आया, पीयूष ग्रंथि के पास, और पीयूष ग्रंथि के पास आया और इसने पीयूष ग्रंथि को क्या कर दिया बेटा, प्रेरित किया किस चीज के लिए, कौन से हार्मोन का स्रावण कर, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का। तो कहने का मतलब परिभाषा में यही तो लिखा है कि रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन था जो पीयूष ग्रंथि से किसी हार्मोन के स्रावण को क्या करे, प्रेरित करे। चले सवाल था सर, इसके अलावा और कौन कौन से हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं और वो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलवाने के लिए, हार्मोन के स्रावण के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। चलो भैया मैं आगे बात करें, हाँ जी, तो देखिए अपने पास है ACTH रिलीजिंग हार्मोन, ACTH रिलीजिंग हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH। चले भैया इसके अलावा अपने पास है TSH रिलीजिंग हार्मोन, TSH रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा अपने पास है MSH रिलीजिंग हार्मोन, HR मतलब हार्मोन। इसके अलावा अपने पास है ग्रोथ हार्मोन GH रिलीजिंग हार्मोन, GH रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा अपने पास है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये वो रिलीजिंग हार्मोन थे, ये वो रिलीजिंग हार्मोन थे जो कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्रावण को उद्दीप्त कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। GnRH, LH तथा FSH का स्रावण करवाता, ACTH रिलीजिंग हार्मोन, ACTH हार्मोन का स्रावण करवा रहा था, TSH रिलीजिंग हार्मोन, TSH का स्रावण करवा रहा था, MSH रिलीजिंग हार्मोन, MSH का स्रावण करवा रहा था, GH रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन दैट इज वृद्धि हार्मोन का स्रावण करवा रहा था, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन का स्रावण करवा रहा था। चले तो कहने का मतलब हुआ कि अपने पास ये टोटल मिला के कितने हो गए, ये टोटल मिला के अपने पास 6 प्रकार के रिलीजिंग हार्मोन हो गए, 6 प्रकार के रिलीजिंग हार्मोन हो गए जो पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है। अब दूसरा हार्मोन वो था जो हाइपोथे
थैलेमस से निकल रहा था और वो पीयूष ग्रंथि में जाके हार्मोन के स्रावण को रोक रहा था। वो दूसरे को क्या बोलते हैं? देखिए, दूसरा जो था उसको बोलते बेटा निरोधी हार्मोन, दैट इज इनहिबिटरी हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के मोचन को, हार्मोन के स्रावण को रोकने का काम करते हैं। जिनमें सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। आपको बता दूं कि ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस से निकलता है। कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है, और हाइपोथैलेमस से निकल के ये जाता है अपने पास पीयूष ग्रंथि के पास। किसके पास गया? ये गया पीयूष ग्रंथि के पास, और पीयूष ग्रंथि को जाके इसने संदमित कर दिया। क्या कर दिया? संदमित कर दिया, रोक दिया। क्या? किस चीज के लिए? कि तू जीएच हार्मोन का स्रावण क्या कर? बंद। जीएच का स्रावण जो था वो स्रावण क्या कर दिया इसने? बंद करवा दिया। पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन का स्रावण बंद करवा दिया? जीएच हार्मोन का स्रावण जो था वो क्या करवा दिया बेटा? बंद। कि ग्रोथ हार्मोन का स्रावण क्या करो? बंद। तो ध्यान रखना, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलने वाला वो हार्मोन था जो किसके स्रावण को संदमित कर रहा था, किसके स्रावण को रोक रहा था? पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के स्रावण को रोकने का काम कर रहा था। इसके अलावा और भी हार्मोन है जिनका संदमन होता है। कौन सा? अपने पास हाइपोथैलेमस से निकलने वाला है MSH इनहिबिटरी हार्मोन। इसके बाद है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। बस, मतलब ये तीन तो हाइपोथैलेमस से स्रावित किए जाते हैं। कैसे? इनहिबिटरी हार्मोन। जबकि ये टोटल मिला के अपने पास 6 जो थे ये स्रावित किए जाते हैं रिलीजिंग हार्मोन। और कहूं मैं कि कुल मिला के हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन का स्रावण हुआ? कुल मिला के हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन का स्रावण हुआ। और सारे के सारे हार्मोन कैसे? सारे के सारे हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन है। सारे के सारे हार्मोन कैसी प्रकृति के हार्मोन है? प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन है। अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन अपने पास बेटा निकला ये कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन के लिए रिलीजिंग हार्मोन स्रावित कर रहा है। मतलब ग्रोथ हार्मोन निकलेगा कब, ये कौन कहेगा? हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन का निकलना बंद कब होगा वो भी कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस। चलो मैं आगे, नेक्स्ट। ये जो मेरे पास MSH हार्मोन है ये कब निकलेगा, कब इसको निकलवाना है ये कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस। कब इसका निकलना बंद करवाना है, रुकवाना है, वो भी कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, ये मेरे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसको कब निकलवाना है, कब इसका स्रावण करवाना है पीयूष ग्रंथि से, इसके लिए रिलीजिंग हार्मोन कौन देगा? हाइपोथैलेमस। मतलब कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस। तथा इसका स्रावण कब बंद करवाना है वो भी कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस। मतलब ये तीन हार्मोन ऐसे थे, ग्रोथ हार्मोन, MSH हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिनके लिए रिलीजिंग हार्मोन तथा इनहिबिटरी दोनों ही प्रकार के हार्मोन हाइपोथैलेमस स्रावित कर रहा था। जबकि अपने पास GnRH, ACTH तथा TSH ये जो थे इनके ये केवल रिलीजिंग हार्मोन है। मतलब FSH, LH के लिए, ACTH के लिए तथा TSH के लिए केवल और केवल हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन निकलता है, कभी भी इनहिबिटरी हार्मोन नहीं निकलता। तो इनका इनहिबिशन कैसे होता है? इनका इनहिबिशन होता है फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा। किसके द्वारा होता है? फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा।
चलू मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलू। अब बहुत ध्यान से देखिएगा सर, आपने ये तो बता दिया कि हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन निकलेंगे, एक निकलेगा रिलीजिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि के पास आएगा और उससे कहेगा कि भैया तू फलाना हार्मोन जो था उसका श्रवण कर। एक निकलेगा निरोधी हार्मोन, जिसका काम है कि पीयूष ग्रंथि के पास आएगा और आके कहेगा कि तू इस हार्मोन का श्रवण रोक या कम कर, हां कि ना। चले अब ये बताइए कि ये हार्मोन जो थे ये हाइपोथैलेमस में कहां पे बने, पहली बात हाइपोथैलेमस में कहां पे बने, तथा हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि तक कैसे पहुंचे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे। हमने मान लिया कि ये जो मेरे पास है ये अपनी पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? ये अपनी पीयूष ग्रंथि है, ये लीजिए। हमने मान लिया कि ये अपनी पीयूष ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि का ये वाला जो भाग है इसको बोल दिया अग्र पीयूष ग्रंथि, और ये वाला जो भाग है इस भाग को हमने बोल दिया पश्च पीयूष ग्रंथि। चलो भैया, ये वाला जो भाग है ये मेरे पास है हाइपोथैलेमस, और हमने बोला था कि हाइपोथैलेमस में हार्मोन का श्रवण कौन करती है? तंत्रिकाएं। कौन करती है? तंत्रिकाएं। तो ये हाइपोथैलेमस की तंत्रिकाएं हैं जो हार्मोन का क्या करेगी बेटा, श्रवण करने का काम करेगी। सबसे पहले हमने देखा कि हाइपोथैलेमस की कुछ तंत्रिका तो ऐसी है, जैसे ये वाली तंत्रिका जो हाइपोथैलेमस में इनका कोशिका काय है, तंत्रिका कोशिका का कोशिका काय किसके अंदर है? हाइपोथैलेमस में। उसका एग्जोन जो था वो एग्जोन का लास्ट वाला भाग किसके अंदर घुसा हुआ है? पीयूष ग्रंथि के पश्च वाले लोब में, मतलब पश्च पीयूष ग्रंथि तक आया हुआ है, हाँ कि ना। जबकि कुछ तंत्रिका यहां पे छोटे आकार की है, वो तंत्रिकाएं जो थी वो पीयूष ग्रंथि तक नहीं पहुंच रही, मतलब पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग तक नहीं पहुंच रही है, हाँ कि ना। तो ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस में ये जो तंत्रिका है, तंत्रिका का ये जो भाग है, इस भाग को ही अपन बोलते हैं कोशिका काय। सेम इसी तरह इस तंत्रिका का ये जो भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं बेटा कोशिका काय। बच्चे मैंने कहा कि हाइपोथैलेमस से केवल और केवल प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन का श्रवण हुआ, और आपको याद होगा जब मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि तंत्रिकाओं में निसल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, और वो निसल ग्रेन्यूल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समान है, जिनका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और निसल ग्रेन्यूल केवल तंत्रिका में दो जगह पे होते हैं, या तो साइटोन में कोशिका काय में, या फिर उनके डेंड्राइट्स में एग्जोन में कभी भी निसल ग्रेन्यूल नहीं होंगे। और जब निसल ग्रेन्यूल ही नहीं है तो एग्जोन में कभी भी प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, मतलब किसी भी प्रोटीन का निर्माण एग्जोन के अंदर नहीं होता। तो एग्जोन के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो कहां से बन के आए? वो बन के आए साइटोन तथा डेंड्राइट वाले भाग से, हाँ कि ना। तो मैं कहूं कि ये न्यूरॉन जो थी, इन न्यूरॉन में हार्मोन के संश्लेषण का स्थल है, वो क्या है उसका? ये साइटोन तथा डेंड्राइट वाला भाग, और उनमें भी मुख्य कौन सा? साइटोन, क्योंकि निसल ग्रेन्यूल सर्वाधिक मात्रा में किसके अंदर प्रेजेंट? साइटोन में। तो हमने बोला ये अपने पास है हार्मोन संश्लेषण स्थल, हार्मोन संश्लेषण स्थल। ये क्या है? हार्मोन संश्लेषण स्थल। अब सवाल था कि यहां पे कौन से हार्मोन्स है जिनका संश्लेषण होगा? बेटा देखिए, यहां पे दो प्रकार के हार्मोन का संश्लेषण हुआ। पहला हार्मोन जो यहां संश्लेषित हो रहा है वो अपने पास हो रहा है रिलीजिंग हार्मोन, जिसको मैं बोल दूंगा आर। एंड दूसरा हार्मोन जो यहां संश्लेषित हो रहा है वो अपने पास है बेटा इनहिबिटरी हार्मोन, जिसको मैं बोल दूंगा आई। यहां पे इस वाली के बारे में बात कर रहा हूं कि इस वाली के अंदर इन हार्मोन का संश्लेषण हुआ। यहां पे दूसरे का होता है, कौन से का होता है मैं बाद में बताऊंगा। अभी यहां पे देखिए हार्मोन का संश्लेषण हुआ, इस वाली में भी इसी जगह पे हार्मोन का संश्लेषण होगा, और इस वाली में भी इसी जगह हार्मोन का
संश्लेषण होगा। यहां पे किसका संश्लेषण हुआ? रिलीजिंग हार्मोन तथा इनहिबिटरी हार्मोन का। और यहां पे जो संश्लेषण होता है वो संश्लेषण होता है अपने पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड दूसरा हार्मोन था एडीएच जिसको अपन बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन का। वैसोप्रेसिन हार्मोन का संश्लेषण हुआ। चले भैया तो ध्यान रखना ये हार्मोन संश्लेषण के स्थल थे। ये लंबी वाली तंत्रिका में ऑक्सीटोसिन और एडीएच का संश्लेषण हुआ, यहां पे रिलीजिंग तथा इनहिबिटरी हार्मोन का संश्लेषण हुआ। बहुत ध्यान देखना। अब यहां पे जो हार्मोन बने वो हार्मोन इस तंत्रिका के एग्जोन से होते हुए आए नीचे, एग्जोन से होते हुए आए नीचे, नीचे आए और वो हार्मोन पहुंच गए इस जगह पे, दैट इज एग्जोन के टर्मिनल एंड पे। जब वो हार्मोन कौन से रिलीजिंग तथा इनहिबिटरी हार्मोन इस एग्जोन के टर्मिनल पे पहुंचे तो इस एग्जोन टर्मिनल से इस हार्मोन को मुक्त कर दिया गया। मुक्त कर दिया गया किसमें? इस निवाहिका परिसंचरण में। किसमें मुक्त कर दिया गया? निवाहिका परिसंचरण में। और ये निवाहिका जो परिसंचरण था इसमें कैसा ब्लड था? इस निवाहिका परिसंचरण में अपने पास था बेटा डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो था ये हाइपोथैलेमस से अग्रपीयूष ग्रंथि में आ रहा था। हाइपोथैलेमस से कहां आ रहा था? अग्रपीयूष ग्रंथि में आ रहा था। और इसको लेके आने वाली ये जो सिरा है, ये वाली सिरा, इसको अपन बोलते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। इसको अपन बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। मतलब ये जो हार्मोन यहां पे बने थे इन हार्मोन को ये हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन जो है वो लेके आई। लेके कहां पे आई? अग्रपीयूष ग्रंथि पे। कहां लेके आई? अग्रपीयूष ग्रंथि पे। और अग्रपीयूष ग्रंथि पे लाके इन्होंने ये जो हार्मोन थे इन हार्मोन को कर दिया यहां पे मुक्त। कौन? किसको? चाहे वो रिलीजिंग हार्मोन लेके आई हो चाहे वो इनहिबिटरी, उनको सबको मुक्त कर देगी। किसके अंदर? अग्रपीयूष ग्रंथि में। अब अग्रपीयूष ग्रंथि की कोशिकाओं के पास अगर जाएगा रिलीजिंग हार्मोन, अगर कौन सा हार्मोन जाएगा? रिलीजिंग हार्मोन। तो वो कोशिकाएं क्या काम करेगी? वो कोशिकाएं किसी हार्मोन का संश्लेषण करेगी और संश्लेषण करके उस हार्मोन को वापिस डाल देगी। उस हार्मोन को वापिस डाल देगी किसके अंदर? ब्लड के अंदर। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और ब्लड से होता हुआ वो हार्मोन कहां पहुंच जाएगा? शरीर के दूसरे अंगों में पहुंच जाएगा जहां पे उसे काम करना है। तो एनसीईआरटी ने ये दो तीर लगा रखे। एक तीर तो ये, इस तीर का मतलब है कि हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन है वो इस निवाहिका परिसंचरण के द्वारा हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के द्वारा अग्रपीयूष ग्रंथि में मुक्त करे जा रहे हैं। और दूसरा तीर इधर से अंदर की साइड, ये नीचे वाला, ये तीर ये दर्शा रहा है कि अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन जो है, जो इसने बनाए, जिनका इन्होंने श्रावण किया, उनको भी ये इस रक्त में, इस वी ऑक्सीजनित डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में उड़ेल देती है और इस रक्त से होते हुए ये शरीर में अपनी लक्ष्य कोशिका तक पहुंच जाते हैं। हां कि ना? हां कि ना? चलू मैं आगे? यस कि नो? यस कि नो? चलो भैया, तो अब बहुत ध्यान से देखना। तो मैं ये कह दूं कि रिलीजिंग तथा इनहिबिटरी हार्मोन का संश्लेषण या मैं कहूं निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है तथा उनको हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइशियल निवाहिका सिरा जो थी वो हाइपोथैलेमस से अग्रपीयूष ग्रंथि में लेकर आती है और ये हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि की क्रिया का नियंत्रण करते हैं। हां कि ना? जबकि पश्चपीयूष ग्रंथि जो थी, उस पश्चपीयूष ग्रंथि में क्या हुआ? ये पश्चपीयूष ग्रंथि जो थी इसका नियंत्रण जो होता है वो नियंत्रण हार्मोन के द्वारा
नहीं होता, इसका नियंत्रण हार्मोन के द्वारा नहीं होता, तो क्या किया? देखो, हमने देखा कि बड़ी तंत्रिका जो थी, ये बड़ी तंत्रिका बिल्कुल हाइपोथैलेमस से लेके कहां तक उपस्थित थी? पश्च पीयूष ग्रंथि तक उपस्थित थी, हाँ कि ना? तो ये जो बड़ी तंत्रिका है, ये बड़ी तंत्रिका ही किसका नियंत्रण करती है? पश्च पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। किसका नियंत्रण करती है? पश्च पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। इसीलिए मैं कह दूं कि पश्च पीयूष ग्रंथि सीधे हाइपोथैलेमस की तंत्रिका के नियंत्रण में होती है, हाँ कि ना? तो हमने कहा कि पश्च पीयूष ग्रंथि सीधे हाइपोथैलेमस की तंत्रिका के नियंत्रण में होती है। किसके नियंत्रण में होती है? हाइपोथैलेमस की तंत्रिका के नियंत्रण में होती है, हाँ कि ना? सवाल उठा, सर इसको तो सीधा तंत्रिका ने नियंत्रित कर लिया, लेकिन फिर इसको सीधा तंत्रिका ने क्यों नियंत्रित नहीं किया? बेटा उसकी वजह थी, डायग्राम में क्लियर देख रहे हो, यहां पे तो ये तंत्रिका जो है ये हाइपोथैलेमस से लेके पश्च पीयूष ग्रंथि तक आ रही है, जबकि ये वाली तंत्रिका जो थी ये हाइपोथैलेमस से अग्र पीयूष ग्रंथि तक नहीं आ रही। अगर ये तंत्रिका भी यहां तक आती तो पक्का ये तंत्रिका भी अग्र पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कर लेती, यस कि नो? इसी वजह से अग्र पीयूष ग्रंथि के नियंत्रित करने के लिए या अग्र पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण के लिए हाइपोथैलेमस को रिलीजिंग तथा इनहिबिटरी हार्मोन का स्त्रावण करना पड़ता है, हां कि ना? मतलब पीयूष ग्रंथि का चाहे अग्र भाग हो चाहे पश्च भाग हो, दोनों का नियंत्रण कौन करता है? दोनों का नियंत्रण तो हाइपोथैलेमस ही करता है, लेकिन नियंत्रण करने का तरीका क्या था? अलग। पश्च भाग का नियंत्रण तंत्रिका द्वारा, अग्र भाग का नियंत्रण रिलीजिंग तथा इनहिबिटरी हार्मोन के द्वारा। मेरी यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। क्या मैं आगे चलूं? हाँ जी चलूं। अब मैं ये बताऊंगा कि इन दोनों हार्मोन का क्या काम था और ये हार्मोन कैसे स्रावित हुए, ये मैं आगे बात करूंगा। अभी मैं इनके बारे में कोई बात करके नहीं जा रहा हूं, आपको ये बताना है कि जितनी बात मैंने एक्सप्लेन की उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का लॉक कर दिया जाए? देखिए, अब अपन इन सारी चीजों को एनसीईआरटी से कोरिलेट कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, एनसीईआरटी क्या कह रही है, देखिएगा क्या कह रही है। ये हार्मोन कौन से हार्मोन? मोचक हार्मोन तथा निरोधी हार्मोन। क्या कहते हैं? ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका सिरों पर पहुंचते हैं। यही तो मैंने बोला, इस जगह पे बने, उसके बाद ये था एक्सोन, तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका के सिरे में पहुंचे और सिरे में पहुंच के किसमें मुक्त हो गए? निवाहिका परिसंचरण में। आगे देखिए, सिरे पर पहुंचते तथा तंत्रिका सिरों द्वारा निवाहिका परिवहन तंत्र में मुक्त कर दिए जाते हैं। चलो भैया मैं आगे चले, अब क्या हुआ? ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा अग्र पीयूष ग्रंथि में पहुंचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का क्या करते हैं बेटा? नियमन। यही तो हमने बोला कि ये हार्मोन कहां पहुंचे? अग्र पीयूष ग्रंथि में, और फिर उस अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का क्या करा उसने? नियमन करा। अगली बात करते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि में, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। पश्च पीयूष ग्रंथि सीधे हाइपोथैलेमस के तंत्री के नियंत्रण में होती है। अब डायग्राम में मैं क्लियरली बोल चुका हूं, लिख भी चुका हूं कि पश्च पीयूष ग्रंथि सीधे हाइपोथैलेमस की तंत्रिका के नियंत्रण में होती है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस की तंत्रिका जो होती है वो हाइपोथैलेमस से लेके पश्च पीयूष ग्रंथि तक फैली हुई होती है और इस तंत्रिका के द्वारा ही हाइपोथैलेमस की कोई भी सूचना सीधी कहां पहुंचती है? पश्च पीयूष ग्रंथि तक पहुंचती है। चले भैया, तो
कहने का मतलब इस डायग्राम में मैंने जितनी बात समझाई थी वो सारी की सारी बात एनसीईआरटी ने ऐसे की ऐसे एज इट इज लिख के दे रखी है। चलू मैं आगे, हां आगे मूव करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आगे हम आपके सामने जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इस पीयूष ग्रंथि के बारे में। आगे हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इस पीयूष ग्रंथि के बारे में। बेटा मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये पीयूष ग्रंथि जो होती है ये पीयूष ग्रंथि बाकी दूसरी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसीलिए इस पीयूष ग्रंथि को ही हम क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। इस पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। और इस पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। चले भैया अब सवाल था सर, इस पीयूष ग्रंथि के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। देखिए ये पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति जो होती है वो भ्रूण की एक्टोडर्म से होती है। किससे होती है, एक्टोडर्म से, इसलिए हमने लिखा उत्पत्ति एक्टोडर्मल। चले ये पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी को ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। ये बिल्कुल मटर के दाने के आकार की होती है। किसके आकार की होती है, मटर के दाने के आकार की होती है। अब सवाल था कि सर ये ग्रंथि कहां स्थित होती है। बेटा हमारा ये जो क्रेनियम बॉक्स होता है, हमारा जो ये कपाल होता है, इस कपाल में एक अस्थि होती है और उस अस्थि का नाम है स्फिनोइड बोन। कौन सी बोन होती है, स्फिनोइड बोन। इस स्फिनोइड बोन में एक छोटा सा गड्ढा होता है, एक छोटी सी गुहा होती है और उस गुहा को हम बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। तो जब भी बोले कि सेला टर्सिका गुहा कौन सी अस्थि में है, स्फिनोइड अस्थि की गुहा है सेला टर्सिका, और उस सेला टर्सिका गुहा के अंदर स्थित होती है कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। हां कि ना, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी ने यही लिखा है कि पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थिर गुहा में स्थित होती है। चलो मैं आगे, दूसरी बात, ये पीयूष ग्रंथि जो होती है ये जुड़ी हुई होती है हाइपोथैलेमस से। किससे जुड़ी हुई होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है, और हाइपोथैलेमस से जिस संरचना के द्वारा जुड़ती है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। हां कि ना, इसीलिए एनसीईआरटी लिखा, और एक वृंत के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है और उस वृंत को, वृंत नहीं, उस वृंत को इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। ध्यान रखना पीयूष ग्रंथि किससे जुड़ी हुई है, हाइपोथैलेमस से, इसीलिए पीयूष ग्रंथि का ही दूसरा नाम है बेटा हाइपोफाइसियल सेरेब्राई। इसी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसियल सेरेब्राई। क्यों, क्योंकि पीयूष ग्रंथि किससे जुड़ी हुई है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होने की वजह से इसको बोलते हैं हाइपोफाइसियल सेरेब्राई। अब सवाल था सर ये पीयूष ग्रंथि की संरचना कैसी होती है और इसके कौन कौन से भाग है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेटा मैंने आपके सामने ये स्तनधारियों की पीयूष ग्रंथि का एक डायग्राम बनाया है। किसका बनाया है, स्तनधारियों की पीयूष ग्रंथि का डायग्राम आपके सामने बनाया है। मैंने यहां पर दिखाया है कि ये येलो कलर का जो पार्ट है ये तो है हाइपोथैलेमस, और ये पूरी की पूरी संरचना जो है ये पूरी की पूरी संरचना पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। हमने देखा कि ये जो पीयूष ग्रंथि है जो मटर के दाने के आकार की है ये इस सफेद रंग के वृंत के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है, और इस सफेद रंग का वृंत जो होता है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं इसको, इनफंडिबुलम। एक चीज नोट किया, क्या किया, हमने देखा कि ये सफेद रंग की संरचना है, इस सफेद रंग की संरचना का वो बिंदु जो हाइपोथैलेमस के संपर्क में है, ये जो मैंने डॉट लगा के बताया इसको बोलते हैं ट्यूबर सिनेरियम। क्या बोलते हैं, ट्यूबर सिनेरियम। तथा इसका
शीर्ष भाग जो फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं पोर्स नर्वोसा। इस पोर्स नर्वोसा को ही बोलते हैं अपन पश्च लोब। इसी को क्या बोलते हैं? पश्च लोब या पश्च पिंड। पीयूष ग्रंथि का पश्च पिंड जो हुआ वो पश्च पिंड का ही तो भाग है इनफंडिबुलम और पश्च पिंड का ही भाग है ट्यूबर सिनेरियम। और ध्यान रखना इस पीयूष ग्रंथि के पूरे पश्च भाग का निर्माण जो होता है वो हाइपोथैलेमस के विस्तारण से होता है, या मैं कहूं कि अग्र मस्तिष्क का भाग था डायन्सिफोलोन उसके विस्तारण से होता है। इसीलिए इस पूरे के पूरे सफेद रंग के भाग को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इस न्यूरो हाइपोफाइसिस का ही सबसे मेन भाग है उसको बोलते हैं पोर्स नर्वोसा, जिसको हम बोलते हैं पश्च लोब। क्या बोलते हैं? पश्च लोब। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है? देखिएगा तो हमारी ये जो पीयूष ग्रंथि है उस पीयूष ग्रंथि में कुल मिला के कितने लोब है? तीन लोब। कुल मिला के कितने लोब है? तीन लोब है। सबसे पहला लोब हमने बोल दिया ये वाला पश्च लोब। दूसरा जो होता है उस दूसरे वाले को हम बोलते हैं बेटा मध्य लोब। मध्य लोब, मध्य लोब ये पीले रंग वाला लोब है, हां कि ना? तो दूसरा लोब कौन सा है? वो अपने पास है मध्य लोब। ये मध्य लोब है दूसरे वाला लोब, तथा तीसरा और सबसे दूर वाला लोब है उसको बोलते हैं पोर्स डिस्टेलिस। और ये पोर्स डिस्टेलिस अपने पास है, ये अपने पास है सबसे आगे वाला लोब जिसको हम कह देते हैं अग्रपिंड। इसको अपन बोल देते हैं अग्रपिंड। तो सबसे पहला भाग अग्रपिंड, दूसरा मध्यपिंड और तीसरा पश्चपिंड। तो बताओ पीयूष ग्रंथि में टोटल कितने पिंड हुए, कितने लोब हुए? तीन लोब हुए। कितने लोब हुए? टोटल मिला के यहां पे तीन लोब हुए, अग्रलोब, अग्रलोब, मध्य लोब तथा पश्चलोब। इसको मैंने लिख दिया लोब या पिंड, अग्रलोब, मध्य लोब तथा पश्चलोब। सबसे बड़ा जो लोब है वो कौन सा लोब है? अग्रलोब। ये अपने पास है सबसे बड़ा लोब। अब सवाल था सर, यहां पे आपने बनाया पोर्स ट्यूबरेलिस, ये पोर्स ट्यूबरेलिस क्या है? बेटा हमने देखा कि इस अग्रलोब से अग्रलोब से एक प्रवर्ध निकला और वो प्रवर्ध जो है वो एक कॉलर के समान संरचना बना रहा है किसके चारों तरफ? इस इनफंडिबुलम के चारों तरफ। उसको ही बोलते हैं पोर्स ट्यूबरेलिस। मतलब ये पोर्स ट्यूबरेलिस किसका भाग? ये मेरे पास अग्रलोब का भाग है। किसका भाग है? अग्रलोब का भाग है। तो जब भी बोले कि बताओ स्तनधारियों की पीयूष ग्रंथि में कुल कितने लोब होते हैं, आप कहोगे कुल कितने होते हैं? तीन लोब होते हैं, अग्रलोब, मध्य लोब तथा पश्चलोब, तथा पश्चलोब। कुल कितने लोब? तीन लोब। चलो मैं आगे, हमने बोला पश्चलोब, इनफंडिबुलम और ट्यूबर सिनेरियम, इन सबको मिला के क्या बोल दिया? न्यूरो हाइपोफाइसिस। सिमिलरली अगर हम बात करके चले यहां पे मध्य लोब, अग्रलोब तथा पोर्स ट्यूबरेलिस, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इनको मिला के अपने बोल दिया इन तीनों को मिला के हमने बोल दिया एडिनो हाइपोफाइसिस, हां कि ना? अब बच्चे अगर बात करके चले स्पेशली मनुष्य में, स्पेशली किसमें बात करके चले? मनुष्य में। तो मनुष्य में क्या होता है? ये मध्य लोब जो होता है जिसको बोलते हैं पोर्स इंटरमीडिया, ये इस अग्र लोब के साथ जुड़ा हुआ होता है, या मैं कहूं ये लगभग इस अग्र लोब में मर्ज हो गया। किसमें मिल गया?
लगभग मिला हुआ होता है, किसमें? इस अग्र लोभ में। तो ध्यान रखना, मैंने बोला कि मनुष्य में, मानव में पार्स इंटरमीडिया मीडिया मीडिया लगभग मिला होता है किसके अंदर? पार्स डिस्टलिस में, मानव में पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टलिस में लगभग मिल जाता है। लगभग क्या हो जाता है? मिल जाता है। जब ये लगभग पार्स डिस्टलिस में मिल गया तो मनुष्य में हमें पार्स इंटरमीडिया ये मध्य लोब दिखाई नहीं देता, मतलब ये मध्य लोब किसका भाग बन गया? पार्स डिस्टलिस का। मतलब ये हुआ कि मध्य लोब अग्र लोब का भाग है। यही तो बात बनी कि मध्य लोब किसका भाग है। ये मध्य लोब जो है ये जब इस डिस्टलिस के साथ मिल गया तो किसका भाग बन गया? इस अग्र लोब का भाग बन गया। इसीलिए पिछले डायग्राम में हमने दिखाया था कि एनसीईआरटी ने पीयूष ग्रंथि में कितने लोब दिखाए थे? दो। कैसे? ये दो लोब दिखाए थे। एक तो उन्होंने बताया था आपको, वो बताया था ये अग्र पीयूष ग्रंथि और दूसरा बताया था पश्च पीयूष ग्रंथि। क्यों? क्योंकि मध्य लोब किसमें मिल गया? अग्र भाग में, इसलिए वो बन गया अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च वाला था ही पश्च पीयूष ग्रंथि। यस कि नो? तो हमने यही बात यहां पे बताई, उसकी वजह थी ये। चलो मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चे ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग है, ये एडिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग जो है ये इस पीयूष ग्रंथि का लगभग 75% भाग है। एडिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग इस पीयूष ग्रंथि का लगभग कितना भाग है? लगभग 75% भाग है, जबकि ये न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला भाग इस पीयूष ग्रंथि का लगभग 25% भाग है। लगभग 25% भाग है, हां कि ना? पहली बात। दूसरी बात, ये एडिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग है, इस एडिनो हाइपोफाइसिस वाला जो भाग है इसको ही जनरली मनुष्य में हम बोल देते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि। इस एडिनो हाइपोफाइसिस वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा ही क्या हो गया? अग्र पीयूष ग्रंथि। या मैं कहूं नॉर्मली बोले तो पार्स डिस्टलिस को बोला जाता है अग्र लोब। अब जब ये इंटरमीडिया पार्स डिस्टलिस का भाग बन गया तो मनुष्य में चाहे आप कह दो एडिनो हाइपोफाइसिस, चाहे आप कह दो अग्र लोब। चलू मैं, मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत? यस कि नो? अब ध्यान रखना, ये अग्र लोब जो है एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये पीयूष ग्रंथि का वो भाग था जिसमें हार्मोन का संश्लेषण भी होता था तथा ये हार्मोन का स्रावण भी करता है। तो हमने बोला ये जो अपने पास है ये हार्मोन का संश्लेषण तथा स्रावण करता है। ये क्या करता है? हार्मोन का संश्लेषण तथा स्रावण करने का काम करता है। कौन सा? एडिनो हाइपोफाइसिस। जबकि ये न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है, या मैं कहूं ये पश्च लोब जो होता है, इसमें हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता, हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता, ये किसी भी हार्मोन को नहीं बनाता। तो क्या काम करता है बेटा ये न्यूरो हाइपोफाइसिस, या मैं कहूं इसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये पश्च लोब जो होता है, ये हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन थे, कौन से? एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा एडीएच जिसको बोला वैसोप्रोसिन, उन दोनों के संग्रहण का कार्य करता है, उनको संग्रहण करता है तथा उन्हें स्रावित करने का, उन्हें मुक्त करने का काम करता है। तो ये क्या काम करता है? ये अपने पास
ये अपने पास ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन, जिसको अपन बोलते हैं एडीएच, का संग्रहण तथा इस्रावण करता है। इन दोनों को क्या करता है? उनका संग्रहण भी करता है और उनका इस्रावण भी करता है। कौन? पश्चलोग या न्यूरोहाइपोफाइसिस। चले, तो जब भी आपसे कहे कि बताओ आप हमें कि पीयूष ग्रंथि के कितने भाग है, तो आप कहोगे पीयूष ग्रंथि के दो भाग है, बड़ा तथा आगे वाला भाग, उसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, जबकि छोटा तथा पश्च भाग, उसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो मैं ये एक बात यहां पे लिख दूं, क्या मैं लिख दूं यहां पे कि पीयूष ग्रंथि बराबर एडिनो हाइपोफाइसिस प्लस न्यूरो हाइपोफाइसिस। कि पीयूष ग्रंथि किस चीज से बनी? दो चीजों से, एडिनो हाइपोफाइसिस अग्र वाला भाग जो कि 75% है, न्यूरोहाइपोफाइसिस पश्च भाग जो कि 25% है। मेरी यहां तक की बात में किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए, हां कि ना। अब सवाल था, सर आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग तथा इनहिबिटरी हार्मोन जो थे वो हाइपोफाइशियल निवाहिका तंत्र के द्वारा अग्र पीयूष ग्रंथि में पहुंच रहे थे और अग्र पीयूष ग्रंथि की क्रिया का क्या कर रहे थे? नियंत्रण, हां कि ना। आपने तभी हमें बताया था कि पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग है, पश्च पीयूष ग्रंथि है, न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इसका भी नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन वो करता है सीधा न्यूरोन के द्वारा, सीधा न्यूरॉन के द्वारा। अब आपने कहा कि ये पश्च लोब जो होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि है, ये किसी हार्मोन का संश्लेषण, किसी हार्मोन का निर्माण नहीं करती, तो क्या काम करती है? ये हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन थे, एक था ऑक्सीटोसिन, दूसरा था वैसोप्रेसिन, इन दोनों के दोनों हार्मोन का कर रही है संग्रहण। क्या कर रही है? इन दोनों का संग्रहण कर रही है तथा उनकी जब जरूरत है तब उनका कर रही है श्रावण। तो आप हमें यह बताइए कि ये दोनों के दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस में कहां बने थे और हाइपोथैलेमस से ये पश्च पीयूष ग्रंथि में कैसे पहुंचे? चले भैया ध्यान रखना। बेटा मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि हाइपोथैलेमस में अगर कोई भी हार्मोन बनता है तो उस हार्मोन को बनाने का काम करेगी हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाएं, हां कि ना। और इन तंत्रिका कोशिकाओं में भी बात करके चले तो हाइपोथैलेमस में तंत्रिका का ये वाला भाग क्या है? ये कोशिका काय तथा डेंड्राइट वाला भाग, मुख्यतः कोशिका काय वाला भाग जिसमें निसल ग्रेन्यूल है, वो क्या करेगा? हार्मोन का संश्लेषण। तो हमने बोला ये मेरे पास जो है ये हार्मोन्स का संश्लेषण स्थल है। ये हार्मोन का क्या है? ये हार्मोन का संश्लेषण स्थल है और इसी जगह पे दो हार्मोन्स का संश्लेषण हुआ। कौन कौन से हार्मोन का? यहां पे दो हार्मोन बने, एक हार्मोन यहां पे बना बेटा, वो बना अपने पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक हार्मोन कौन सा बना? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तथा दूसरा हार्मोन यहां बना, वो बना बेटा वैसोप्रेसिन, जिसको अपन बोलते हैं एडीएच हार्मोन। इन दोनों हार्मोन का संश्लेषण कहां हुआ? हाइपोथैलेमस के अंदर हुआ और हाइपोथैलेमस की जो न्यूक्लियाई जो थी, वो न्यूक्लियाई या न्यूरॉन की जो कोशिका काय थी, उस कोशिका काय के अंदर हुआ। और दोनों के दोनों कैसे हार्मोन? ये दोनों के दोनों प्रोटीन हार्मोन है। कैसे हार्मोन है बेटा? ये दोनों के दोनों है प्रोटीन हार्मोन्स, मतलब जल में घुलनशील हार्मोन है जिनके रिसेप्टर लक्स
से कोशिका की कोशिका झिल्ली पे होंगे। चले अब हार्मोन यहां बन गया, चले ये मेरे पास गुलाबी कलर वाली अपने पास है, ये अपने पास क्या है तंत्रिका। हमने बोला ये तंत्रिका के डेंड्राइट, ये तंत्रिका का कोशिका का है, तो ये वाला जो भाग हुआ ये इस तंत्रिका का हुआ बेटा एक्सोन, जिसको अपन बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ये मेरे पास हुआ तंत्रिका का एक्सोन भाग, जिसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। हुआ क्या, हुआ ये कि वो हार्मोन जिनका संश्लेषण इस कोशिका काय के अंदर हुआ था, वो हार्मोन जो थे इस कोशिका काय से होते हुए नीचे की तरफ आए। नीचे की तरफ कौन से भाग में आए, इस तंत्रिका के एक्सोन भाग में आए, और इस एक्सोन भाग से होते हुए ये कोशिका के शीर्ष भाग में आके, इस शीर्ष भाग में आके एकत्रित हो गए। मतलब ये पास, ये जो मेरे पास, ये जो तंत्रिका का ये जो शीर्ष भाग है जो मैंने लाल कलर के सर्कल के अंदर बना रखा है, ये हुआ, ये अपने पास हुआ हार्मोन संग्रहण स्थल। हार्मोन संग्रहण स्थल मतलब यही वो जगह थी जहां पे हार्मोन जाके क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा था, संग्रहित हो रहा था। चले तो सवाल था कि ये हार्मोन संग्रहण स्थल है, ये क्या है, तंत्रिकाक्ष का शीर्ष भाग, किसका, एक्सोन का शीर्ष भाग। उस एक्सोन के शीर्ष भाग में जाके हार्मोन क्या हो गए, संग्रहित हो गए, बने कहां पे, कोशिका काय वाले भाग में, कहां जाके हुए, साइनेप्टिक नोब एक्सोन के शीर्ष वाले भाग में। तो पहुंचे कैसे, वो इस एक्सोन से होते हुए पहुंचे। तो मैंने बोला कि ये जो एक्सोन हुआ, इस एक्सोन का ही तो कार्य हुआ क्या, इस एक्सोन का कार्य हुआ हार्मोन का परिवहन करना। हार्मोन का परिवहन करना। तो जब भी पूछे कि बताओ ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन हार्मोन का संश्लेषण कहां होता है, आप कहोगे हाइपोथैलेमस में। वो हार्मोन का संग्रहण तथा स्रावण कहां होता है, वो होता है पश्च पीयूष ग्रंथि में। कहां होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि में। हाइपोथैलेमस से पश्च पीयूष ग्रंथि में हार्मोन को कौन लेके आता है, वो लेके आता है तंत्रिका का एक्सोन भाग। कौन सा भाग, एक्सोन भाग। मेरी यहां तक की बात में किसी को भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप इससे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप पढ़िएगा अच्छे से, जहां कंफ्यूजन हो वहीं पे एक बार रिकॉल कीजिएगा, एक एक लाइन मैंने यहां पे कवर कर दी है। चलो भाई मैं आगे, अब सवाल अपने पास नया था, सर आप हमें ये बताइए कि पीयूष ग्रंथि के टोटल मोटे मोटे अपने पास तीन लोग थे, अग्रलोब जिसको बोला पॉर्स डिस्टलिस, मध्यलोब जिसको बोला पॉर्स इंटरमीडिया, और पार्श्वलोब जिसको हमने बोला पॉर्स नर्वोसा। तो आप हमें बताइए कि कौन से लोब से कौन सा हार्मोन संश्लेषित हो रहा है या मुक्त हो रहा है। चले तो सबसे पहले बेटा हम शुरुआत जो अपनी कर रहे हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं यहां पे, वो कर रहे हैं पॉर्स डिस्टलिस के हार्मोन। कौन से के हार्मोन, पॉर्स डिस्टलिस वाले के हार्मोन, मतलब अग्रलोब से कौन कौन से हार्मोन निकले। बेटा आपको बता दूं कि अग्रलोब से कुल मिला के 6 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं, 6। मतलब अग्रलोब में कुल मिला के 6 हार्मोन ऐसे थे जिनका स्तनधारियों में संश्लेषण तथा स्रावण होता है। स्तनधारियों में पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से कितने हार्मोन निकले, 6 हार्मोन का संश्लेषण तथा स्रावण किया जाता है, और वो 6 के 6 हार्मोन है। ये 6 के 6 हार्मोन अपने पास है, ये अपने पास है बेटा प्रोटीन हार्मोन्स। कैसे हैं प्रोटीन हार्मोन्स, मतलब ये सारे जल में घुलनशील हार्मोन है जिनके रिसेप्टर, जिनके ग्राही हमेशा लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। चले और ये 6 के 6 जो हार्मोन थे, ये 6 के 6 हार्मोन जो थे, इनको बोला जाता है ट्रोपिक हार्मोन। क्या बोला जाता है बेटा इनको, ट्रोपिक हार्मोन। अब सवाल था, सर इनको ट्रोपिक हार्मोन क्यों कहा। बेटा ये हार्मोन वो हार्मोन थे जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, कौन सी से, पीयूष ग्रंथि से निकले, और ये जाके दूसरी ग्रंथियों पर काम करते हैं। तो ऐसे हार्मोन जो एक ग्रंथि से निकलते हैं तथा दूसरी ग्रंथियों पर जाके
काम करते हैं उन हार्मोन को बोलते हैं क्या? ट्रोपिक हार्मोन। तो ट्रोपिक हार्मोन क्या? वो हार्मोन्स जो दूसरी ग्रंथियों पर कार्य करते हैं। जो दूसरी ग्रंथियों पर कार्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रोपिक हार्मोन। चले भैया, मेरी यहां तक की बात क्लियर है? हां चले। अब देखिएगा, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं जीएच। इसी को हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, और इसी हार्मोन का ही दूसरा नाम है एसटीएच, दैट इज सोमेटो ट्रॉफिक हार्मोन। एसटीएच दैट इज सोमेटो ट्रॉफिक हार्मोन। बेटा इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन है, इसीलिए ये हार्मोन किसके लिए उत्तरदायी है? ये अपने पास शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ये हार्मोन किस चीज के लिए उत्तरदायी है? ये वो हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अब सवाल ये था कि ये शरीर की वृद्धि को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं शरीर की वृद्धि पे प्रभाव। अब हम तीन जगह पे इसका प्रभाव देखेंगे। कितनी जगह पे देखेंगे? तीन जगह पे। सबसे पहला, शरीर की वृद्धि में क्या प्रभाव था? दूसरा, मानसिक वृद्धि पे क्या प्रभाव था? ब्रेन वगैरह के नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में। तीसरा, लैंगिक वृद्धि में, जननांगों की वृद्धि वगैरह में क्या प्रभाव था? हाँ कि ना? सबसे पहला शारीरिक वृद्धि। बेटा ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन था, ये अस्थियां जो होती है उन अस्थियों की लंबाई को बढ़वाता है, अस्थियों की लंबाई को बढ़वाता है। मैंने बोला सबसे पहला बोन्स जो थी उनकी लेंथ वो क्या करवाता है? इंक्रीज करवाता है, बढ़वाता है। दूसरी बात ये जो होता है ये शरीर की कंकालीय पेशियां जो थी उन कंकालीय पेशियों का आकार भी क्या करता है? बढ़वाता है। हमने बोला कि पेशियों में भी क्या करवाता है? वृद्धि करवाने के लिए जिम्मेदार है। तीसरी बात, शरीर के अंदर जो अंग है, मतलब आंतरिक अंग जो है, उनको भी, अंगों को भी साइज में क्या करवाता है? बड़ा। तो कहने का मतलब जो जो बच्चा बड़ा होता जाएगा उसके शरीर में वृद्धि होती जाएगी, उसका आकार बड़ा होता जाएगा, तो उनकी हड्डियां भी बढ़ेगी, पेशियां भी बढ़ेगी, तथा शरीर के अंदर के अंगों का आकार भी बढ़ेगा। वो सारे का सारा काम कौन कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन कर रहा है। कौन कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन कर रहा है। दूसरा, मानसिक वृद्धि। ध्यान रखना ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इस ग्रोथ हार्मोन का मानसिक वृद्धि में कोई भी योगदान नहीं होता। मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS पर कोई प्रभाव नहीं होता। कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब ये हुआ कि तंत्रिका तंत्र पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, तंत्रिका तंत्र के विकास में इसकी कोई भूमिका नहीं है। हां कि ना? तीसरा, लैंगिक वृद्धि। बच्चे लैंगिक वृद्धि में आती है जननांगों के बारे में। बेटा जननांग जो होते हैं नर में नर जननांग, मादा में मादा जननांग, ओवरी वगैरह मादा में, नर में टेस्टिस वगैरह, तो इन जननांगों पर इसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। जननांगों पर इसका पड़ता है, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव जननांगों के विकास में इसका नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव किस पे था? इसका सबसे बड़ा प्रभाव था शरीर की वृद्धि पे। किस पे था बेटा? शरीर की वृद्धि पे। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इस ग्रोथ हार्मोन को
थायरोक्सिन हार्मोन का सहयोगी हार्मोन कहा जाता है। हाँ कि ना, या मैं कहूं कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन का सहयोगी हार्मोन है, सिनर्जिक हार्मोन है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई ये बात पूछे तो याद रखना क्या कि थायरोक्सिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जीएच का सहयोगी हार्मोन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनर्जिक हार्मोन, सहयोगी हार्मोन क्या है? बेटा सहयोगी हार्मोन वो होते हैं जो जो साथ जब होते हैं तो वो उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मतलब ग्रोथ हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। अगर ग्रोथ हार्मोन किसी व्यक्ति में पूरा है और अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है तो ग्रोथ हार्मोन अपना पूरा प्रभाव प्रकट नहीं कर पाएगा। मतलब ये जय और वीरू की जोड़ी है, जो साथ साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक कम रहा तो दूसरे वाले की क्रियाशीलता घट जाएगी। हाँ कि ना, तो जब भी कहे कि सहयोगी हार्मोन या सिनर्जिक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का कौन है, तो आप मेनली कहोगे ये थायरोक्सिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन का मुख्य सहयोगी हार्मोन है। मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में ग्रोथ हार्मोन और ज्यादा अच्छे से कार्य करता है। चले भैया, मेरी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब सवाल था सर, अगर किसी व्यक्ति में इस ग्रोथ हार्मोन का कम श्रावण होगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, हमने बोला मान लीजिए हम किशोरावस्था व बाल्यावस्था में बात करें। बेटा आपको पता है कि अगर ग्रोथ हार्मोन जो था जीएच जो था, इस जीएच का श्रावण किसी व्यक्ति में क्या होगा? कम। जब ग्रोथ हार्मोन का श्रावण कम होगा तो बॉडी ग्रोथ जो थी शारीरिक वृद्धि जो थी वो वृद्धि भी क्या होगी बेटा? कम। जब शरीर की वृद्धि कम होगी तो क्या आएगा? उसकी वजह से आएगा व्यक्ति में बोनापन। तो ध्यान रखना, यही कर रखा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि के ग्रोथ हार्मोन की कमी से जब इसका कम श्रावण होगा बाल्यावस्था में, या फिर मैं कहूं किशोरावस्था में, ग्रोथ की फेज में, मेरी बात क्लियर है, तो उस अवस्था में व्यक्ति के शरीर की वृद्धि क्या होगी? कम। और वो व्यक्ति क्या रह जाएगा? बोना। और उस बोनेपन को अपन बोलते हैं पिट्यूटरी बोनापन। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी बोनापन या एटिलियोसिस। उस बोनेपन को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि का बोनापन। कि भैया ये बोनापन किसकी वजह से आया? पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण आया, इसीलिए इसको बोलते हैं पिट्यूटरी बोनापन, या इसी का दूसरा नाम है एटिलियोसिस। तो जब भी सवाल पूछे बताओ एटिलियोसिस अवस्था कौन से हार्मोन की कमी से आती है, तो आप कहोगे कौन से हार्मोन की कमी से? ग्रोथ हार्मोन की कमी से। कब? बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में। चले अब सर, इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल उदाहरण है बेटा, जब हम सर्कस देखने जाते हैं तो सर्कस में बोने व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं? सर्कस देखने जाते हैं तो उस सर्कस में कई सारे बोने व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। हाँ कि ना, तो सर्कस के जो बोने हैं उन सर्कस के बोनों को बोलते हैं मिजेट्स। सर्कस के बोनों को क्या बोलते हैं? मिजेट्स। तो सर्कस में जो बोने हैं, जो मिजेट्स है, उनमें बोनापन कौन से हार्मोन की कमी से? उसमें बोनापन था वो था ग्रोथ हार्मोन की कमी से। कौन से हार्मोन की कमी से? ग्रोथ हार्मोन की कमी से बोनापन था। अगर हम उन बोनों के बारे में देखें तो केवल उनके शरीर का आकार क्या होता है? छोटा। शरीर के आकार क्या होगा उनका? शरीर का आकार जो होगा वो आकार क्या होगा? छोटा। मैंने कहा कि यहां पे बात करके चले तो सर्कस के बोने जो थे वो बोने की शारीरिक वृद्धि जो थी
वो शारीरिक वृद्धि क्या होगी बेटा? कम। शारीरिक वृद्धि क्या होगी? कम, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या था? कम। लेकिन अगर हम उनकी बात करके चले मानसिकता के बारे में, अगर हम उनकी मानसिक वृद्धि के बारे में बात करके चले, तो मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोथ हार्मोन का मानसिक वृद्धि में कोई योगदान नहीं होता, तो ये कैसे होंगे मानसिक वृद्धि? वो होगी नॉर्मल, मतलब उनमें सोचने समझने की ताकत सब क्या होगी? एकदम सामान्य होगी, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा उसकी थी लैंगिक वृद्धि। मतलब उसके जननांगों की वृद्धि, कि जननांग उसमें विकसित होंगे कि नहीं होंगे। बेटा ध्यान रखना, उनके जननांग भी क्या होंगे? नॉर्मल। जननांग भी क्या होंगे? नॉर्मल। मतलब फीमेल हुई तो उसके जननांगों में अंडे का निर्माण होगा, वो फर्टाइल होगी। मेल अगर हुआ तो उसमें भी स्पर्म का सामान्य निर्माण होगा। लेकिन लेकिन जो जननांग थे वो तो नॉर्मल है, लेकिन उसमें सेक्सुअल मैच्यूरेशन, जिसको अपन बोलते हैं लैंगिक परिपक्वता, अगर हम में लैंगिक परिपक्वता 12 से 13 साल की उम्र में आती है, तो उनमें 15-16 साल की उम्र में आएगी। मतलब लैंगिक परिपक्वता जो थी वो 2-3 साल क्या हो जाएगी? लेट। वो तो ध्यान रखना, लैंगिक वृद्धि तो क्या होगी? नॉर्मल। लेकिन लैंगिक परिपक्वता में क्या आएगी? लैंगिक परिपक्वता में देरी हो जाएगी। लैंगिक परिपक्वता में क्या हो जाएगी? देरी। हां कि ना? चलो भैया मैं आगे, तो जब भी मीजेट्स के बारे में बात करके चले, तो मीजेट्स जो थे वो बोने थे जो कौन से हार्मोन की कमी से बने? ग्रोथ हार्मोन की कमी से। उसमें शारीरिक वृद्धि क्या होती है? कम। मानसिक रूप से सामान्य, लैंगिक रूप से सामान्य, लेकिन लैंगिक परिपक्वता में थोड़ी क्या होती है? देरी। चलो भैया आगे, अब सवाल था कि अगर किसी व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्रावण हो जाए, वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्रावण हो जाए तो क्या होगा? बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें बाल्यावस्था में। अगर बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन आ गया ज्यादा, तो आपको पता है ज्यादा ग्रोथ हार्मोन हो गया तो उस व्यक्ति में शारीरिक वृद्धि जो होगी, उसकी शरीर की जो ग्रोथ होगी, बॉडी की जो ग्रोथ होगी, वो शारीरिक वृद्धि क्या होगी बेटा? ज्यादा। शारीरिक वृद्धि भी क्या होगी? ज्यादा। जब शारीरिक वृद्धि ज्यादा होगी तो शरीर आवश्यकता से ज्यादा क्या हो जाएगा? बड़ा। तो इसीलिए कहा कि इसके अतिश्रावण से शरीर की असामान्य वृद्धि होगी। शरीर में क्या होगी? असामान्य वृद्धि होगी। शरीर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा और वो दानव के समान दिखाई देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं जाइगेंटिज्म या अतिकायता। तो अगर बाल्यावस्था में किसी व्यक्ति की पीयूष ग्रंथि ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का स्रावण करेगी, तो उसके शरीर की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी, शरीर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और वो व्यक्ति जो था वो दानव की तरह दिखाई देने लगेगा। इस अवस्था को बोलते हैं जाइगेंटिज्म या अतिकायता। कब होती है? ध्यान रखना, बाल्य अवस्था में। पर खास बात थी कि ऐसा नहीं होगा कि उसके हाथ तो बड़े हो गए, सिर छोटा हो गया, पैर छोटे हो गए, उसके पूरे के पूरे शरीर में एक समान वृद्धि होगी। जैसे हम खली के बारे में बात करें, खली का शरीर अच्छा लंबा चौड़ा है, वो किसकी वजह था? वृद्धि हार्मोन के ज्यादा स्रावण की वजह से। तो ध्यान रखना कि शरीर में ज्यादा वृद्धि तो हुई, मतलब शरीर असामान्य रूप से बड़ा तो हो गया, बहुत सामान्य लोगों की कंपैरिजन में बहुत बड़ा तो हो गया, लेकिन वो कैसी थी? वो थी अपने पास समानुपातिक वृद्धि। मतलब एक समान अनुपात में हाथ पैर शरीर के अंग सब एक ही अनुपात में बढ़े। चले भैया अपना आगे, अब सवाल था सर, मान लीजिए किसी व्यक्ति में वयस्क अवस्था में ग्रोथ हार्मोन का अतिस्रावण हो। बेटा जब किसी व्यक्ति में वयस्क अवस्था में ग्रोथ हार्मोन का अतिस्रावण होगा, तो उसके शरीर में असमानुपातिक वृद्धि होगी। कैसी वृद्धि होगी? असमानुपातिक। समानुपातिक में क्या था? सभी अंगों में एक समान वृद्धि। यहां पर क्या था? सभी अंगों में एक समान वृद्धि। लेकिन यहां कैसी हुई वयस्क अवस्था में? यह हुई असमानुपातिक वृद्धि। मतलब केवल कुछ अंगों में तो वृद्धि होगी,
बाकी अंगों में वृद्धि नहीं होगी, मतलब केवल कुछ अंगों में वृद्धि हुई। तो जिन अंगों में वृद्धि होगी वो तो हो जाएंगे बड़े और बाकी के अंग क्या रह जाएंगे, छोटे। ऐसी वृद्धि को हमने बोल दिया असमानुपातिक वृद्धि। हाँ कि ना। अब सामान्यतः ये जो विकृति देखने को मिली हमको, ये विकृति देखने को मिली हमको कहां पे, चेहरे में। कहां पे, चेहरे में, मतलब चेहरे में भी व्यस्क अवस्था में उन व्यक्ति के निचले जबड़े की हड्डी क्या हो गई, बड़ी। चेहरे में क्या थी, हमने बोला इनके निचले जबड़े की अस्थि में वृद्धि। किसमें हो गई बेटा, निचले जबड़े की अस्थि में वृद्धि हो गई मुख्यतः। और निचले जबड़े की अस्थि को ही तो अपन बोलते हैं मैंडिबल बोन। कौन से बोन में वृद्धि हुई, यहां पे हुई मैंडिबल बोन में वृद्धि। जब निचले जबड़े की अस्थि में वृद्धि हो गई तो निचला जबड़ा क्या हो गया, बहुत बड़ा। और वो व्यक्ति किसके समान दिखाई देने लगा, गोरिल्ला के समान, जिससे व्यक्ति गोरिल्ला के समान दिखाई देता है। व्यक्ति किसके समान दिखाई देता है, गोरिल्ला के समान दिखाई देता है। तो जब भी व्यस्क अवस्था में ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा स्रावण की वजह से किसी व्यक्ति में विकृति उत्पन्न हो जाती है तो इसको अपन बोलते हैं बेटा एक्रोमिगेली। क्या बोलते हैं, एक्रोमिगेली। ध्यान रखना, बाल्य अवस्था में ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा स्रावण से अवस्थाई जाइगेंटिज्म, व्यस्क अवस्था में ज्यादा श्रावण हुआ तो अवस्थाई एक्रोमिगेली। अगर वृद्धि हार्मोन का कम श्रावण के बारे में बात करें, कब, बाल्यवस्था में, तो जो कंडीशन आई उसको अपने बोला एटिलियोसिस। तो ध्यान रखना, एटिलियोसिस कब होती है, जब बाल्यवस्था में ग्रोथ हार्मोन का कम श्रावण हो। जब भी बोले बताओ एक्रोमिगेली कब आती है, जब व्यस्क अवस्था में ग्रोथ हार्मोन का अत्यधिक स्रावण हो। वो पूछे बताओ जाइगेंटिज्म कब आएगी, अतिकायता कब आएगी, जब बाल्य अवस्था में ग्रोथ हार्मोन का अत्यधिक स्रावण होगा तो शरीर में समानुपातिक वृद्धि होगी, शरीर का आकार अत्यधिक बड़ा हो जाएगा और व्यक्ति दानव के समान दिखाई देगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं जाइगेंटिज्म या अतिकायता। मेरी यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। चले, तो यहां तक के पोर्शन में बेटा हमने आप लोगों के सामने बात कर ली है, वो बात कर ली है इस पीयूष ग्रंथि के पहले हार्मोन के बारे में, जिसको हमने बोला था ग्रोथ हार्मोन। वो ग्रोथ हार्मोन वाला पोर्शन मैंने यहां पे पूरा कर लिया है, ठीक है। अब अपन अगले लेक्चर में पीयूष ग्रंथि के बाकी बचे हुए दूसरे हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो आगे की बातें जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।